नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग इंस्टाग्राम तो खूब यूज करते होंगे और स्टोरी भी शेयर करते रहते होंगे, लेकिन अगर आपको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में म्यूज़िक ऐड करना तो कैसे करेंगे ये समझते। सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम में आपको अपडेट करिए, प्ले स्टोर खोलिए, इंस्टाग्राम ऐप में जाइए, अपडेट करिए और इंतजार करिए जब तक कि आपका इंस्टाग्राम अपडेट ना हो जाए। जैसे ही आपका इंस्टाग्राम अपडेट होता है ओपन ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, इसको खोलिए, ओपन करिए। अब यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में प्लस का आइकन दिखेगा, इसको दबाइए। यहाँ स्टोरी पर क्लिक करेंगे और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने फ़ोटो या वीडियो गैलरी में। यहाँ से जिस फ़ोटो को आप सेलेक्ट करना चाहे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए उस फ़ोटो को सेलेक्ट करिए। जब आप अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे तो मेन फ्रेम खुलेगा, यहाँ पर से स्माइली साइन को सेलेक्ट करेंगे तो कई ढेर सारे ऑप्शन आएंगे, वहाँ पर एक ऑप्शन म्यूज़िक का आपको सेलेक्ट करना रहेगा। इस ऑप्शन में आपको ढेर सारी म्यूजिक लिस्ट नज़र आएगी जो कि आपको इंस्टाग्राम आपके हिसाब से यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है। आप ब्राउज़ भी कर सकते हैं अपनी पसंद का कोई भी म्यूज़िक। जब आप किसी म्यूज़िक को सेलेक्ट करेंगे तो एक म्यूज़िक बार बन के आएगा। इस म्यूज़िक बार में आप नॉर्मल जो कलर है वो वाइट के साथ देख रहे हैं बैकग्राउंड, लेकिन आप इसके कलर बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर जो इस सर्किल में अलग अलग कलर्स आपको दिखाए गए हैं, इनको आप सेलेक्ट करके किसी भी तरीके से आप अपने हिसाब से कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके साइज को रीसाइज कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, जिस तरीके से आप इसको जहाँ पर अपनी स्टोरी में रखना चाहते हो रख सकते हैं, ऊपर नीचे बाएं दाएं जिस साइज में चाहिए वहाँ पर। और इसके बाद आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में इफ़ेक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स ढेर सारे अवेलेबल, उन इफ़ेक्ट्स को यूज करते ही आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी तैयार है शेयर करने के लिए।